हेलो एवरीवन, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं स्पीड, है ना। लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखा और इस वीडियो में हम लोग स्पीड के बारे में देखेंगे, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, उसके बेस पर क्वेश्चन, कुछ टेक्निकल, ठीक है, कुछ मेथड्स है, ट्रिक्स है, सब देखेंगे। देखो स्पीड क्या है, तो सबसे पहली बात, स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस है ना, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा भी बोल सकते हैं आप किताबी भाषा में अगर बोले तो। सीधा सीधा आपको दिमाग में ये रखना है कि जो स्पीड होगा, है ना, कॉन्साइज वे में अगर हम लोग देखें तो स्पीड क्या है, तो स्पीड आपका डिस्टेंस बाई टाइम है, क्लियर। कॉन्साइज वे में, है ना, शॉर्ट थ्योरी के तौर पे अगर हम लोग देखें स्पीड क्या है, तो बोलेंगे स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम है, ठीक है। स्पीड क्या है आपका, डिस्टेंस बाई टाइम है। दूसरी बात, स्पीड के लिए कैसा क्वान्टिटी है स्पीड, तो स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है तो निगेटिव और जीरो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें और ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता जाता है, स्पीड जो है वो डिस्टेंस बाई टाइम है, ठीक है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है थ्योरेटिकल कि अगर डिस्टेंस बाई टाइम है तो डिस्टेंस के बढ़ने से स्पीड बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिस्टेंस के बढ़ने से सिर्फ स्पीड बढ़ता ही नहीं है, स्पीड घट भी सकता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा। टाइम कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं हो सकता बाबू, ठीक है। टाइम जो है वो कभी भी अपने कंट्रोल में नहीं हो सकता है, ठीक है। टाइम को हम लोग कभी भी कम नहीं कर सकते, उसको रोक नहीं सकते, वो अपने कंट्रोल से बाहर है, वो बढ़ता ही रहेगा, ठीक। दूसरी बात, दो टाइप का स्पीड हम जानते हैं, एक यूनिफॉर्म स्पीड, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में अगर कोई बॉडी सेम डिस्टेंस को कवर करता है, इक्वल डिस्टेंस कवर होता है किसी बॉडी के द्वारा इक्वल टाइम इंटरवल में, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई बॉडी मोशन करना स्टार्ट किया एक घंटा में, वो जो है सो 20 मीटर गया, सपोज दैट 20 मीटर वन आवर में, फिर नेक्स्ट वन आवर में फिर 20 मीटर, फिर नेक्स्ट वन आवर में फिर 20 मीटर, तो बोलेंगे कि उसका स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। और अगर वो सेम टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करता है, अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा, तो बोलेंगे उसको नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, मेन क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो एवरेज स्पीड आपको निकलता है बाबू टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। कभी भी आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा टाइम। अगर एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। पहले एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कल जो वीडियो था उसमें हम लोग 45 नंबर क्वेश्चन तक किए थे, ठीक है, और आप 46 पे करते हैं। यहाँ देखो, बोल रहा है कि अ पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ इट्स मोशन। मान लीजिए कि कोई बॉडी, सपोज दैट यहाँ से ए पॉइंट से कोई बॉडी बी पॉइंट तक गया, और ए से लेकर के बी तक जाने में उसको टोटल टाइम, ए से बी तक जाने में मान लीजिए कि उसको टोटल टाइम कितना लग रहा है, तो टोटल टाइम हम लोग मान लेते हैं टी, ठीक है। टोटल टाइम कितना मान ले रहे हैं, टी। यहाँ पे बीच में है सी पॉइंट, तो ए से सी तक आधा टाइम, यानी कि टी बाई टू टाइम, और फिर टी बाई टू टाइम। बोला है कि फर्स्ट हाफ टाइम, पहला जो आधा टाइम है उसमें स्पीड था इसका कितना, वी वन, और दूसरे आधे टाइम में इसका स्पीड कितना था, वी टू, ठीक है। ये टोटल मान लीजिए कि टी टाइम तक मोशन किया, उसमें पहला आधा टाइम तक, फर्स्ट हाफ टाइम तक जो इसका स्पीड था वो वी वन था, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम तक जो इसका स्पीड था वो वी टू था। आपसे पूछा है कि एवरेज स्पीड बताइए, तो जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट आपको यही बोलता है कि एवरेज स्पीड बराबर क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। मान लो कि ए से बी तक टोटल डिस्टेंस हमने मान लिया डी, ए से बी तक टोटल डिस्टेंस हम लोग कितना कंसीडर कर लिए, तो डी डिस्टेंस हमने कंसीडर कर लिया। ए से सी जो हाफ टाइम का मोशन है उसमें स्पीड है वी वन, ठीक है, फिर सी से बी जो हाफ टाइम का मोशन है उसमें स्पीड है वी टू। तो स्पीड चेंज है तो ऑब्वियस सी बात है डिस्टेंस भी अलग अलग कवर होगा, एक में मान लेते हैं डिस्टेंस डी वन और दूसरे में मान लेते हैं डिस्टेंस डी टू। तो जो एवरेज स्पीड होगा वो है टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, यानी कि डी वन प्लस डी टू बटा टोटल टाइम, यानी कि टी, ठीक। डी वन कैसे निकलेगा, तो यहाँ देखिए, डी वन यानी कि डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो डी वन में स्पीड कितना है, वी वन, और टाइम है टी बाई टू, तो ये हो जाएगा वी वन इंटू टी बाई टू, एंड डी टू बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी टू इंटू टी बाई टू, क्लियर। डी टू डिस्टेंस कैसे निकलेगा, तो डी टू निकालना भी बहुत आसान है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम कर लेंगे, उससे आपको निकल गया। यहाँ उठा के पुट करिए आप दोनों को,
तो यहाँ से आगे बाबू एवरेज स्पीड बराबर डी वन और डी टू दोनों का वैल्यू आप पुट करिए तो वी वन टी बाई टू प्लस वी टू टी बाई टू बट्टा टी, है ना, वी वन टी बाई टू प्लस वी टू टी बाई टू और बट्टा टी। टी को कॉमन लीजिएगा तो कट जाएगा, यहाँ ऊपर से टी को कॉमन लो, नीचे भी एगो टी है कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा वी वन बाई टू प्लस वी टू बाई टू, यानी कि एवरेज स्पीड आ गया वी वन प्लस वी टू बाई टू, अगर मीटर पर सेकेंड है तो मीटर पर सेकेंड, या जो भी यूनिट आपको दिया रहेगा वो यूनिट आपको अप्लाई कर देना है। क्लियर, ये एक मेथड था, ये एक प्रॉपर मेथड है जिसके थ्रू आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब यहाँ पर आप टेक्निक से भी कर सकते थे। टेक्निक क्या है, टेक्निक है आपका ये बोलता है कि अगर n इक्वल टाइम इंटरवल्स रहे, यानी कि अगर टाइम इंटरवल सेम है, दो ठो चार ठो पचास ठो टाइम इंटरवल दे रखा है और सारा टाइम इंटरवल सेम है, तब एवरेज स्पीड क्या होगा, तो वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, इस तरह से कहाँ तक, वी एन तक बट्टा n। तो उस हिसाब से यहाँ पर अगर आप एवरेज स्पीड निकालते, आपके नीट एग्ज़ाम में क्या है कि नीट एग्ज़ाम में समय बहुत कम होता है, अगर आप इस मेथड से करिएगा तो आराम से आप करके देखिएगा, लगभग आपको जो है सो मोटा मोटी 40 से 45 सेकंड के आसपास लग जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा और समय को अगर बचाने का कोशिश करें तो यहाँ देखो फर्स्ट हाफ टाइम और फिर नेक्स्ट में भी हाफ टाइम, यानी कि टाइम सेम हो गया, फर्स्ट हाफ टाइम और फिर नेक्स्ट में भी हाफ टाइम, टाइम सेम हो गया। तो जब n इक्वल इंटरवल्स रहेगा, टाइम इक्वल पार्ट में डिवाइड है, टाइम को यहाँ पर कितना पार्ट में डिवाइड किए, दो पार्ट में, तो सबसे पहले n बराबर 2, तो नीचे लिख लिए n की जगह 2, एक बार स्पीड है वी वन तो लिख लो यहाँ वी वन, अब प्लस दूसरा बार स्पीड है वी टू तो यहाँ लिख लीजिए वी टू, हो गया। ये फटाक से आपको दूसरा मेथड से जो है विद इन अ 3 to 4 सेकेंड आप आंसर निकाल सकते हैं, एवरेज स्पीड बराबर वी वन प्लस वी टू बाई टू। ठीक है, ये जो एवरेज स्पीड होता है n इक्वल टाइम इंटरवल में, जो मान लीजिए ये जो एवरेज स्पीड है ये किसको फॉलो करता है, अरिथमेटिक मीन को फॉलो करता है। और यहाँ n इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस अगर रहेगा, जैसे मान लीजिए कि डिस्टेंस बराबर है ना, डिस्टेंस अगर बराबर है, जैसे यहाँ पर टाइम इंटरवल बराबर था, हाफ टाइम फिर हाफ टाइम, ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसा ही है, यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए, पार्टिकल मूव्स फॉर 20 सेकेंड, कोई पार्टिकल मान लीजिए 20 सेकेंड तक मोशन किया, टोटल मोशन 20 सेकेंड हुआ है, सच दैट फॉर फर्स्ट 10 सेकेंड, पहला 10 सेकेंड तक उसका स्पीड है 200, फिर दूसरा 10 सेकेंड में उसका स्पीड है 100। तो दो बार देखिए टाइम इंटरवल सेम हो गया, पहले भी 10 बाद में भी 10, तो जब n इक्वल टाइम इंटरवल है तो यहाँ पर जो टोटल 20 सेकंड था उसको दो हिस्सा में बांटा गया 10 और 10 में, तो यहाँ पर जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले n की वैल्यू कितनी हो गई 2, वी वन कितना है तो वी वन है 200 प्लस वी टू कितना है तो 100, तो 200 प्लस 100, तो यहाँ से जो आपका एवरेज स्पीड आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, तो जब n इक्वल टाइम इंटरवल्स हो, यानी कि टाइम को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, क्लियर, टाइम को अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, तो उस कंडीशन में आप इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे डायरेक्ट तो ये सीधा आंसर आएगा, नहीं तो फिर इस पे चले जाओ, ये फंडामेंटल मेथड है, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको, टोटल टाइम 20 सेकेंड, शुरुआत के 10 सेकंड में कितना स्पीड था 200, तो डिस्टेंस निकाल लेंगे 200 इंटू 10 यानी कि 2000, फिर 100 इंटू 10 यानी कि कितना हो जाएगा 1000, ठीक है, तो 2000 प्लस 1000, ठीक है, 3000 हो गया, और उसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 20 से, तो ऑब्वियसली बात है वहाँ से आप निकालिएगा तो फिर वहाँ से भी 150 मीटर पर सेकेंड ही आएगा। इसको देखो, इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 48, इसमें भी क्या है कि पर्सन मूव्स विथ स्पीड, कोई पर्सन मूव कर रहा है किसी स्पीड से 55 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 20 मिनट, पहला 20 मिनट में 55 किलोमीटर पर आवर, दूसरा 20 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर, है ना, पहला 20 मिनट में 55 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, दूसरा 20 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, फिर नेक्स्ट 20 मिनट में 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, आपसे पूछा एवरेज स्पीड, यहाँ पर भी आपका टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। अब इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न क्या होता है, तो यहाँ लगता है कि किलोमीटर पर आवर स्पीड है और टाइम दिया है मिनट में, तो क्यों ना इस टाइम को भी हम आवर में चेंज कर लें, तो टाइम को आप आवर में चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप टाइम को आवर में चेंज करिएगा तो इसका मतलब है कि आप इस वाले टेक्निक को अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है ना, टाइम को आवर में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, टाइम इंटरवल सेम है, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, तो जब टाइम इंटरवल सेम है तो क्या चाहिए, वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री, ये वाला फार्मूला,
तो यहाँ पर तीन गो है, तो लिखेंगे एवरेज स्पीड यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए। इस क्वेश्चन के लिए एवरेज स्पीड हो जाएगा 55 प्लस 60 अब प्लस 50 अब बट्टा कितना 3, 20 20 मिनट का टाइम इंटरवल कितना बार, 3 बार, तो 3 से डिवाइड कर दो सीधा सीधा, आया बात समझ में। तो उस कंडीशन में आप यहां से डायरेक्ट 55 प्लस 60 प्लस 50 बाई 3, तो यहां पर आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको टाइम का यूनिट जो है सो स्पीड के हिसाब से चेंज करें कि नहीं करें, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। तो स्पीड क्या है, स्पीड आपको डिस्टेंस बाई टाइम होता है, स्केलर क्वांटिटी है, निगेटिव कभी नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, आया बात समझ में। अगर है ना स्पीड के केस में अगर आप डिस्टेंस को बढ़ाते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि स्पीड हमेशा बढ़ता ही रहेगा, डिस्टेंस के बढ़ने के साथ हो सकता है स्पीड घटे भी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला 20 मिनट में कुछ दूरी तय किया ही होगा, 55 किलोमीटर पर आवर था, फिर 20 मिनट में कुछ और दूरी तय किया होगा, 60 किलोमीटर पर आवर था, लेकिन नेक्स्ट 20 मिनट में देखो कुछ और दूरी तय किया, डिस्टेंस तो बढ़ता ही गया, वो तो कभी घटेगा ही नहीं, लेकिन स्पीड देखो कितना हो गया 50 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस के बढ़ने से, ऐसा कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग ऑब्जेक्ट अगर कंटिन्यूसली मोशन में है तो डिस्टेंस के बढ़ने से ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पीड कंटिन्यू बढ़ता ही रहेगा, वो घट भी सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, तो उसका सीधा सा मतलब है बाबू, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब हुआ कि एक जैसा, यानी कि सेम टाइम इंटरवल में सेम डिस्टेंस, तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, और टाइम इंटरवल सेम है लेकिन डिस्टेंस सेम कवर नहीं हो रहा है तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर टाइम इंटरवल को एन पार्ट्स में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एन पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में क्या किया गया था, तो किसी टाइम टी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, हाफ टाइम और हाफ टाइम, इस तरह से कर दिए थे। यहाँ पर क्या था, इसमें देखो यहाँ 20 सेकंड को दो पार्ट में डिवाइड किए, 10 सेकंड और 10 सेकंड, यहाँ पर 1 आवर को तीन पार्ट में डिवाइड किए, 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट, ठीक है। तो टाइम इंटरवल जब सेम रहेगा तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए जितना मतलब कि जितना पार्ट में टाइम को डिवाइड किया गया है वो एन की वैल्यू हो जाएगी, और जितना स्पीड दिया उसको ले लीजिए, एन से डिवाइड कर दीजिए, बात खत्म हो गया। मतलब ये अरिथमेटिक मीन को फॉलो कर रहा है। और अगर मान लो कि इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंसेस रहता है ना, यानी कि डिस्टेंस अगर सेम है, समझ में आ रहा बात, डिस्टेंस अगर सेम कवर हो रहा है, जैसे यहाँ पर फर्स्ट हाफ टाइम नेक्स्ट हाफ टाइम, हाफ टाइम लिखा, अगर बोल देता फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और नेक्स्ट रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस सेम हो गया। तो डिस्टेंस अगर सेम हो जाएगा तो उस कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने के लिए आप ये डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, जितना पार्ट में आप डिस्टेंस को डिवाइड करिएगा इक्वल पार्ट में उतना एन हो गया, और 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3 ये जब का चलेगा। तो ये जो फॉलो करता है इसको बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हार्मोनिक मीन, ठीक है। जो मैथमेटिक्स वाले बच्चे होते हैं, जेई वाले बच्चे होंगे, जो जेई मेन का तैयारी करते हैं, वो मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और उसी प्रोग्रेशन में ही आपने पढ़ा होगा अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, ठीक है। और जो नीट वाला बच्चा है उसको इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ये जो है दो फार्मूला दिमाग में रखिए, या नहीं तो आप इस मेथड पर जाइए। इस मेथड पर क्या होगा, थोड़ा वक्त लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में, ठीक है। और इधर से अगर ये दो मेथड आपको पता है, ये दोनों टेक्निक आपको पता है, तो कुछ कम समय आपको लगेगा, काफ़ी कम समय में आप क्वेश्चन फटाक से निकाल लीजिएगा, क्लियर है। चलिए इसको नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 49 में, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 49 में क्या करना है आपको, आपको बोला कि पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, ठीक है। कोई पार्टिकल जो है वो आधा डिस्टेंस कवर किया स्पीड v1 से, और नेक्स्ट हाफ ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस विथ स्पीड v2। तो यहाँ देख रहे हो डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल में बांट दिया, जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है ना, कोई पार्टिकल ए से बी जा रहा है, ये रहा सी, टोटल डिस्टेंस सपोज दैट टोटल डिस्टेंस हमने कंसिडर कर लिया डी, तो ये जो डिस्टेंस है ए से सी वाला वो d/2, और ये भी डिस्टेंस है आपका d/2। यहाँ जो ए से सी तक इसका स्पीड होगा वो v1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और सी से बी तक जो स्पीड होगा वो v2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगर मेथड को हम लोग अप्लाई करें, है ना, मेथड से हम लोग अप्लाई करें, मेथड वन पे हम लोग देखते हैं पहले टेक्निक, फिर दिखाएंगे आपको। तो जो एवरेज स्पीड होता है वो होता है टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस है बाबू डी बट्टा टोटल टाइम। हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट आपको t1 प्लस t2 है ना, टोटल टाइम हम लोग मान लेते हैं t1 प्लस t2, यानी कि टोटल टाइम t है, सीधा सा बात। अब यहाँ देखो T1 और T2 कैसे निकलेगा,
तो यहाँ से देखेंगे T1 T2 कैसे निकलेगा। मान लीजिए कि यहाँ हाफ डिस्टेंस कवर किया V1 स्पीड से, तो टाइम ले लिया मान लो T1, फिर यहाँ हाफ डिस्टेंस कवर किया V2 स्पीड से, टाइम ले लिया T2। अलग अलग स्पीड है तो अलग अलग टाइम इंटरवल होगा। जैसे मान लीजिए 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है और आपके बाइक का स्पीड मान लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर है और 60 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना है, 3 घंटा लगेगा। अगर मान लो वही 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड रहेगा और 60 किलोमीटर का ही डिस्टेंस कवर करना है तो 1 ही घंटा लगेगा, तो स्पीड अलग अलग है ना। लेकिन यहाँ देखिए क्या करना है आपको, तो टाइम निकालना है। तो यहाँ का टाइम कैसे निकलेगा, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो यहाँ से ए से सी के लिए अगर आप T1 निकालते हैं तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है D/2 और स्पीड है V1, तो ये हो जाएगा D/2 V1। और उसी तरह से आप T2 भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा D/2 V2। क्लियर है? तो यहाँ पुट करेंगे D/, यहाँ से आ जाओ D/2 V1 प्लस D/2 V2। D को कॉमन लेके आप कैंसिल कर देंगे, फिर LCM लीजिएगा, है ना। यहाँ से LCM लेने पर आ जाएगा 1/1/2 V1 प्लस 1/2 V2। इस तरह से यहाँ से LCM लोगे तो 2V1V2 जो कि ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा आपको फाइनली 2V1V2/V1+V2। तो ये आपका एक एवरेज स्पीड निकल गया। ये जो फंडामेंटल मेथड था उसके थ्रू हमने एक एवरेज स्पीड फाइंड आउट किया। टेक्निक क्या बताया आपको हम, तो ये देखो ऐसा करने पर आपको कम से कम भी 1 मिनट मोटा मोटी लग जाएगा, लेकिन नीट एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है। मेरा ये कोर्स कराने का सीधा मकसद ये है कि आपका टाइम हम बचाएं, और उस टाइम को आप बचा करके फिजिक्स का टेंशन हटा करके आप दूसरे सब्जेक्ट पर अप्लाई करें और सिलेक्शन ले लें। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे एवरेज स्पीड के लिए, देखो तो यहाँ से एवरेज स्पीड बराबर आपने डिस्टेंस को कितने पार्ट में बांटा, 2 पार्ट में, तो N/, फॉर्मूला था N/1/V1 प्लस 1/V2 प्लस .. प्लस 1/VN, ऐसा फार्मूला था। यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किए तो इसका मतलब है कि N की वैल्यू कितनी हो गई, तो 2 हो गई। तो यहाँ लिख देंगे 2/1/V1 प्लस 1/V2, ऐसा लिख दिए। फिर यहाँ से 2/LCM ले लो, तो LCM कितना आ जाएगा, V1 V2, यहाँ पे V2 प्लस V1। तो यहाँ से आपको वो तो आपको हम कैलकुलेशन कर रहे हैं तब आपको इतना समय लग रहा है, तो अभी तक तो आंसर दिख रहा है कितना, 2V1V2/V1+V2। ये इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मेथड हो गया, एक और मेथड है, ठीक है। यहाँ देखो तीसरा मेथड कैसे करेंगे, M3। पहला हाफ, ठीक है, पहला हाफ यानी कि D/2 स्पीड है V1, फिर दूसरा हाफ यानी कि D/2 स्पीड है V2। एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है, तो ये जो मेथड है ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, दिमाग लगाओ फट से बनेगा। अगर यहाँ का बेस कॉमन रहे, ये मेथड जो आपको हम बता रहे हैं स्पेशली, ये आपको तब अप्लाई करना है जब दोनों बेस सेम रहना चाहिए। तो अगर यहाँ का बेस कॉमन है, 2 है 2 है, दोनों हैं, तो आराम से आँख बंद करके आप यहाँ 2 लिख दीजिए और दोनों स्पीड को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो गया 2V1V2। ये जो तीसरा मेथड आपको हम बता रहे हैं वो तब अप्लाई होगा जब बेस सेम होना चाहिए और 2 पार्ट में ही मोशन हो तभी, ठीक है। बट्टा बेस कॉमन था तो 2 को लिख लिए, अब V1 V2 लिख लिए। उसके बाद अब क्या करिए, तो यहाँ से आप यहाँ पर जो D का कोफिशियंट है ऊपर में, सिर्फ न्यूमरेटर में देखना है 1, यहाँ भी जो D का कोफिशियंट है वो 1। तो इस वाले D के कोफिशियंट को V1 से और इस वाले D के कोफिशियंट को V2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया कितना, V1 प्लस V2। बात खत्म, इतना आपको मीटर पर सेकंड जो भी होगा, यूनिट जो भी दिया रहे, है ना, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, जो भी यूनिट दिया रहेगा वहाँ से आप फटाक से सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते थे, ये तरीका है। मैंने आपको दोनों तरह का मेथड बताया है ना, एक प्रॉपर जो वे है, जो बेसिक फंडामेंटल है उससे, फिर टेक्निक। अब इसी के बेस पर ये क्वेश्चन नंबर 52 जो कि हर एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट उठ के आया है, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। ये क्या बोलता है, तो यहाँ देखो इसके लिए ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट ये वैल्यू आती है। यहाँ देख रहे हो फर्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी कि दो पार्ट में, हाफ हाफ पार्ट में डिस्टेंस को बांट दिया, तो यही वाला क्वेश्चन हो गया। सीधी सी बात है, डिफरेंस क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन में स्पीड V1 V2 था, यहाँ पर स्पीड आपको दे दिया है 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 2 × 40 × 60 / 40 + 60। कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 48 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको नीट 1990 में आया, ये वाला क्वेश्चन आपको 2011 नीट 2011 में भी आ रखा है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है 52 नंबर, ये JEE का भी आ रखा है। अब देखो ये 51 नंबर क्वेश्चन, ये भी आसान, इसको आप कैसे करेंगे? तो सब मेथड है भाई, सारे मेथड से आप कर सकते हैं, ठीक है। इस 51 नंबर में ये वाला पहला मेथड लग सकता है, दूसरा नहीं लगेगा, दूसरा में आपने इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं किया है, समझ रहे हैं? तो कौन सा लगेगा? तीसरा लग सकता है, तीसरा से ही हम बना रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस, यानी कि 2D/5। टोटल डिस्टेंस d मान लेते हैं तो 2D/5 स्पीड है V1, उसके बाद है आपको 3D/5 स्पीड है V2, ऐसा लिख लिए। टोटल डिस्टेंस को आप कितना मान लिए? तो d मान लिए, टोटल डिस्टेंस को आपने कंसिडर कर लिया d। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ अ कार कवर्स 2/5 ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड V1, यानी कि कोई टोटल डिस्टेंस का 2/5 हिस्सा V1 स्पीड से, बाकी का जो बचा 3/5 हिस्सा वो V2 स्पीड से, एवरेज स्पीड उस कार का बताइए। तो यहाँ से लिखेंगे V एवरेज बराबर। हमने आपको क्या सिखाया कि दोनों का बेस अगर सेम रहे तब ये टेक्निक लगाओ। तो बेस सेम है, बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ 5, यहाँ भी 5, तो सबसे पहले आप यहाँ 5 V1 V2 दो स्पीड था ले लिए बट्टा। यहाँ जो न्यूमरेटर में डी का कोफिशियंट है उसको मल्टीप्लाई करो V2 से, और यहाँ जो डी का कोफिशियंट है उसको मल्टीप्लाई करिए V1 से। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का बात हो गया मतलब, तो यहाँ लिखना पड़ेगा 3V1 + 2V2, हो गया बात खत्म। तो इससे क्या हो रहा है कि आपका विद इन 5 सेकेंड to 7 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्लियर है? इस तरह से आप जो है सो ये यहाँ का जो क्वेश्चन नंबर 49, 50, 51 और 52, ये तीन क्वेश्चन हमने आपको करके दिखाया। 15 नंबर क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन नंबर 50, तो यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 50 के लिए आप इस मेथड से भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं, M1 M2, ठीक है, दोनों से कर सकते हैं। M3 से 50 नंबर नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि आपको हम पहले बताया ये दो पार्ट के लिए ही अप्लाई करना होगा, थर्ड पार्ट में थोड़ा फंस जाता है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन नंबर 50 को हम आपको M2 से करके दिखाते हैं। तो 50 में यहाँ देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल कवर्स 1/3 ऑफ इट्स टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस का 1/3, एक तिहाई हिस्सा V1 से, फिर नेक्स्ट 1/3 V2 से, फिर नेक्स्ट 1/3 V3 से, यानी कि टोटल डिस्टेंस को आपने तीन हिस्सों में बांट दिया। तो अब यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 नहीं होकर के 3 हो जाएगी, और यहाँ V1 1/V1 + 1/V2 + 1/V3 भी आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा, समझ रहे हैं? और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो LCM लेना पड़ेगा। LCM लेंगे तो V1 V2 और V3 आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा V2 V3 + V1 V3 + V1 V2। क्लियर? तो ये इतना हो गया, ऊपर में क्या है, पहले से 3 है, ये V1 V2 V3 ऊपर चला गया, तो 3 V1 V2 V3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे जो बचा है सो लिख दो, V1 V2 + V2 V3 + V3 V1, समझ गए? तो जो दूसरा मेथड था, जो टेक्निक हमने आपको इससे पहले लिखाया था यहाँ पर कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे डिस्टेंस को तो हार्मोनिक मीन, इक्वल पार्ट में डिवाइडेड रहेगा अगर टाइम इंटरवल तो अरिथमेटिक मीन, तो हार्मोनिक मीन वाले से फटाक से बन जाएगा, और नहीं तो इस मेथड से करोगे तो D/3 D/3 और एक और लेना D/3, और यहाँ टाइम T1 T2 T3, स्पीड V1 V2 V3, तब जाके यहाँ पर भी आपको यही सेम चीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने चार क्वेश्चन को जो है सो आपको करके दिखाया, 49, 50, 51 और 52। इस क्वेश्चन को आप नोट करिए, और भी क्वेश्चन हम लोग अभी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। 53 में क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, देखो कार मूव्स X to Y, कोई बॉडी जो है, कोई कार है, वो X से Y तक मूव किया, कितना स्पीड से? VU स्पीड से, फिर रिटर्न हो गया यानी कि वाई से फिर एक्स आ गया, कितना स्पीड से? V2 स्पीड से। तो यहाँ से बस इतना से क्लियर हो जाना चाहिए था कि एवरेज स्पीड आपको क्या निकालना है, किसके लिए निकालना है, राउंड ट्रिप के लिए आपको बोल रहा है एवरेज स्पीड निकालने। तो अब हम लोग मेथड नहीं देखेंगे, टेक्निक देखेंगे। एक्स से वाई गया,
फिर वाई से एक्स आ गया, तो डिस्टेंस क्या हो गया सेम। तो जब सेम डिस्टेंस में कवर करता है और दो स्पीड है ना, सेम डिस्टेंस में कवर कर रहा है और दो स्पीड आपको दे रखा है, एक दे रखा है आपको वी यू और दूसरा दे रखा है आपको वी डी, क्लियर। कोई बॉडी जो है वो, कोई कार जो है वो एक्स से वाई तक गया, ठीक है, फिर रिटर्न हो गया वाई से एक्स, क्लियर। जब एक्स से वाई जा रहा था तब उसकी स्पीड कितनी थी, तब उसकी स्पीड थी वी यू, जब वाई से एक्स आ रहा है तब उसकी स्पीड है वी डी। उस कंडीशन में आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछा, हमने अभी जस्ट देखा है वो एवरेज वेलोसिटी जब दो पार्ट में दिया हो सेम डिस्टेंस, तो टू वी वन वी टू बट्टा वी वन प्लस वी टू, बस यहाँ पे क्या करना है तो वी के जगह वी वन के जगह लिख देंगे वी यू, वी टू की जगह वी डी, यहाँ भी हो जाएगा वी यू प्लस वी डी, ख़त्म, बहुत आसान। नेक्स्ट देखो ये क्वेश्चन, ये जो पहला क्वेश्चन जो आपको हमने बताया, ये क्वेश्चन आपको नीट 2007 क्लियर, उस टाइम में AIPMT वगैरह हुआ करता था। ये जो क्वेश्चन है वो 1991, ये भी क्वेश्चन नीट 1991 AIPMT जिसको आप बोलते थे वगैरह, ठीक है, मेडिकल एग्जाम समझिए कि इसमें भी 1991, ये भी 1991, लेकिन ये जो 1991 वाला क्वेश्चन है वो 90 का ही रिपीट था। देखो क्या बोला कि कोई कार जो है उसको डिस्टेंस कवर करना है 200 मीटर, ठीक है, उसमें जो पहला आधा डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस कवर किया 40 किलोमीटर पर आवर से, एवरेज स्पीड है, और दूसरा हाफ कवर किया है वी से, एवरेज स्पीड है 48। अभी जस्ट हमने देखा कि एक कार आधा डिस्टेंस कवर कर रहा था 40 से, आधा डिस्टेंस कवर कर रहा था 60 से, तो एवरेज स्पीड आ रहा था 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ एवरेज स्पीड दिया है, एक स्पीड दिया है 40, तो दूसरा क्या होगा, आँख बंद करके 60, जो पहले से प्रैक्टिस किए होंगे सीधा मार देंगे, नहीं तो इससे करो, लगाओ फिर फार्मूला, 2 × पहला स्पीड है 40, एक है वी, और फिर 40 प्लस वी, एवरेज स्पीड कितना दे रखा है 48, यहाँ कितना हो जाएगा बताओ, 80 वी बट्टा 40 प्लस वी, यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो वी की वैल्यू आ जाएगी आपको 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 55, ये भी नीट 1991 का। इसमें देखो वही वाला सेम क्वेश्चन है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया मोशन को, क्या पढ़े थे इसके लिए आप, इसके लिए आप पढ़े थे एवरेज स्पीड बराबर 3 V1 V2 V3 बट्टा V1 V2 प्लस V2 V3 प्लस V3 V1। यहाँ पे V1 क्या है, 10 किलोमीटर पर आवर, ये रहा V1, ये रहा V2, और ये क्या है आपका V3, पुट करिएगा तो फाइनल जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये जो वैल्यू आने वाला है वो आपको आ जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर, इस तरह से, क्लियर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, कोई बोला कि कोई कार टर्न्स एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, है ना, कोई कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है इस तरह से। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, कोई कार इस तरह से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है, ठीक, कोई बात नहीं, ऑफ रेडियस 100 मीटर, यानी कि इस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है, रेडियस यानी कि आर, ये आपको दे रखा है कितना, तो 100 मीटर। टेकिंग 62.8 सेकेंड, कोई कार जो है वो सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रहा है और उसको कितना टाइम लग रहा है, तो 62.8 सेकेंड समय लग रहा है। कौन सी के लिए 62.8 सेकेंड समय लग रहा है, तो उसको समय लग रहा है 62.8 सेकेंड एक चक्कर पूरा करने में फॉर एवरी सर्कुलर लैप, ठीक है। मान लीजिए सपोज दैट इस सर्कुलर ट्रैक का सेंटर पॉइंट ओ है, कोई कार यहाँ ए पॉइंट से मूव करना स्टार्ट किया, वापस से ए पॉइंट पर जब आया है तो उसको 62.8 सेकेंड लगा है। आपसे पूछा एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए हमने क्या पढ़ा है, टोटल डिस्टेंस बट्टा टोटल टाइम। तो ए से मूव किया, जब ए से वापस आ गया, टोटल डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो डिस्टेंस तो कभी निगेटिव होगा नहीं, ए से चला है ए पर वापस आ गया, तो पूरा एक सर्कुलर टर्न, और सर्किल का सर्कमफेरेंस कितना, 2πr बाय टाइम, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × 3.14 × रेडियस कितना है आपका 100, रेडियस कितना हो जाएगा आपका, दे रखा है रेडियस 100 मीटर दे रखा है, क्लियर, और रेडियस 100 मीटर दे दिया, और टाइम कितना, टाइम आपको 62.8, टाइम यहाँ पर दे दिया 62.8, कैलकुलेशन करिएगा तो ये आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, एवरेज जो सो आपका स्पीड निकल गया। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, ये एक नया टर्म है जो आपको अभी हमने नहीं बताया, तो इतना समझ लो, स्पीड जो है वो डिस्टेंस बट्टा टाइम, तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट बट्टा टाइम, स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो एवरेज वेलोसिटी एक सर्कुलर लैप के लिए, एक सर्कुलर लैप का मतलब हुआ ए पॉइंट से स्टार्ट किया ए पे ख़त्म, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो,
है ना, तो 0/t जहाँ से स्टार्ट किए वहीं आ गए, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या हो जाएगा, 0। तो 0/t यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? तो यहाँ पर एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में 10 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आपका 0 मीटर पर सेकेंड। ये भी जो क्वेश्चन है आपका नीट का पूछा हुआ 2006। क्लियर? तो एवरेज स्पीड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था वो सारा हमने आपको सॉल्व करके दिखा दिए, ठीक है। मेथड से भी हम लोग देख लिए और टेक्निक से भी देख लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग वेलोसिटी पे देखेंगे, उसका कुछ थ्योरी देखेंगे और उसका कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ एवरेज स्पीड का भी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।